अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 4 टाइप के प्रीमिक्स बनाना सिखाऊंगी जो आपको रमज़ान में बहुत ही अच्छे से काम आएंगे और इससे आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा। 2 हम बनाएंगे मिल्क वाले प्रीमिक्स और 2 सोडा वाले प्रीमिक्स। सबसे पहले हम बनाएंगे रोज़ प्रीमिक्स। उसके लिए 100 ग्राम मैंने पाउडर शुगर ली है, 2 टेबल स्पून ग्लूकोज पाउडर लिया है, जो ग्लूकॉन डी होता है विदाउट फ्लेवर वाला वो लिया है मैंने, और 2 पिंच मैंने लेमन जेस्ट लिया है, रोज़ पेटल्स लिए हैं, और ये है रोज़ इमल्शन, रेड रोज़ इमल्शन, ये इम्पॉर्टेंट है। सारे प्रीमिक्स के लिए इमल्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो आप ज़रूर ले लीजिएगा। सबसे पहले मैंने ग्राइंडर में पाउडर शुगर डाली है, लेमन जेस्ट डाला है, ग्लूकोज पाउडर डाल दूंगी, रोज पेटल्स, और 1/4 टीस्पून रेड रोज इमल्शन डाल दूंगी मैं। इससे रोज का फ्लेवर भी आएगा और कलर भी आ जाएगा। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे, पल्स पे ग्राइंड करेंगे, 1 ग्राइंड मार के रुकेंगे, फिर से ग्राइंड मार के रुकेंगे, ऐसे 2-3 बार करके हम इसको ग्राइंड करेंगे। अगर हम नॉन स्टॉप करेंगे तो ये हीट अप हो जाएगा ग्राइंडर, और जो हमारा मिक्सचर है वो गीला हो जाएगा हीट से, क्योंकि शुगर होती है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा रेड रोज प्रीमिक्स जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे मैंगो प्रीमिक्स। उसके लिए मैंने फिर से 100 ग्राम पाउडर शुगर ली है, 2 टेबल स्पून ग्लूकोज पाउडर लिया है, और मैंगो इमल्शन डाल देंगे इसमें 1/4 टीस्पून। मैंगो वाला बहुत ही इजी है बनाने में, इसमें और कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, क्योंकि मैंगो फ्लेवर इतना स्ट्रांग होता है और कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं होती। इसको भी पल्स पे ग्राइंड कर लेंगे। रेडी हो गया हमारा मैंगो प्रीमिक्स। आप देख सकते हैं कितने फटाफट से हमारे 2 प्रीमिक्स रेडी हो चुके हैं। इसको हम डाल देंगे एक बोल में, और आप इस जो प्रीमिक्स है इसको आप एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं, और एयर टाइट जो बैग्स आते हैं जिप लॉक बैग, उसमें भी डाल के रख सकते हैं स्टोर करके। इतनी क्वांटिटी में 4 ग्लास बन जाएंगे हमारे। अब ये मैंने 100 ग्राम फिर से पाउडर शुगर ली है, कच्ची कैरी इमल्शन लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है ग्लूकोज सिरप, और 1/2 टेबल स्पून सिट्रिक एसिड लिया है, और ये है 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट जो रॉक सॉल्ट होता है। इन सब चीज़ों को हमने ग्राइंडर में डाल दिया है, 1/4 टीस्पून कच्ची कैरी इमल्शन डाल देंगे, और फिर इसको पल्स पे सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। 2 से 3 ग्राइंड देंगे तो ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगी। और सिट्रिक एसिड आपको कोई भी ग्रॉसरी शॉप में इजीली अवेलेबल है। ये देखिए हमने इसको पल्स पे ग्राइंड कर लिया है, हमारा कच्ची कैरी प्रीमिक्स भी बन के रेडी है। ये हम सोडे में यूज़ करेंगे या आप पानी में भी बना सकते हैं। अगला प्रीमिक्स है काला खट्टा प्रीमिक्स। उसमें 100 ग्राम पाउडर शुगर, ब्लैक सॉल्ट और काला खट्टा इमल्शन डाल दिया है मैंने, और बस इसको ग्राइंड कर लिया है, इसमें और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपीज दे दूंगी सारे प्रीमिक्स की। अब एक ग्लास लिया है हमने, उसमें 2 टेबल स्पून प्रीमिक्स डाला है। एक ग्लास में 2 टेबल स्पून ही प्रीमिक्स डालेगा, और इसमें शुगर और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी डालने की। और इसमें इस तरह से मैं स्पून को उल्टी करके सोडा डाल रही हूँ ताकि नीचे का जो प्रीमिक्स है वो मिक्स ना हो जाए। प्रेजेंटेशन के लिए यह ऐसे अच्छा लगता है। अब इसमें सब्ज़ा डालेंगे और क्रश्ड आइस डाल देंगे। सब्ज़ा ऑप्शनल है, लेकिन आप डालेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा लगता है पीने में ये ड्रिंक। आइस आप जितनी चाहे उतनी डाल सकते हैं। रेडी हो गया हमारा काला खट्टा प्रीमिक्स शरबत, 2 सेकंड में बनके रेडी है ये। अगला शरबत हम बनाएंगे कच्ची कैरी। 2 टेबल स्पून डालेंगे हम कच्ची कैरी प्रीमिक्स,
और इसमें भी हम सोडा डालेंगे। आप चाहे तो पानी का भी यूज़ हो सकता है, सोडा नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि सोडा ही डालो। और इस तरह से इसमें सोडा डाल देंगे। आप हर कोई भी फ्लेवर के प्रीमिक्स बना सकते हैं आपके पास अगर वो फ्लेवर के इमल्शंस है। बहुत जल्द मैं आपको कॉफ़ी और बटरस्कॉच का भी बताऊंगी इंशाल्लाह। इसमें भी सब्ज़ा डाल देंगे और क्रश डाइस डाल देंगे। रमज़ान में बहुत ही यूज़फुल होगी ये जो डिश है, बहुत ही काम आएगी ये सारे प्रीमिक्स। अब हम रेड रोज़ बनाएंगे। इसमें मैं 2 टेबलस्पून रेड रोज़ प्रीमिक्स डाल रही हूँ ग्लास में, और इसमें सब्ज़ा डालूँगी मैं और क्रश डाइस डालूँगी। और इसमें दूध डालेंगे हम। दूध मैंने अमूल का लिया है, कच्चा मिल्क यूज़ कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो पका हुआ भी ले सकते हैं, लेकिन वो चिल्ड होना चाहिए। ये देखिए रेडी हो गया हमारा रोज़ शरबत। देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत कलर आया है इसका, और रोज़ पेटल्स भी कितने अच्छे लग रहे हैं, ऊपर तैर रहे हैं। ये पीने में बहुत ही यम्मी लगता है और मैंगो भी बहुत ही अच्छा लगता है पीने में। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको बनाना। रेडी हो गया रेड रोज़ शरबत। अब हम बनाएंगे मैंगो शरबत। इसमें भी 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं। सब्ज़ा डालेंगे, क्रश डाइस डालेंगे और इसमें भी दूध डाल देंगे हम। रेडी हो गया हमारा बनके मैंगो शरबत। ये भी पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा सारे प्रीमिक्स बनाना। रमज़ान में बहुत ही काम आएंगे, तो अभी से आप बना के स्टोर करके रख दीजिए। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे चारों प्रीमिक्स के शरबत। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हैं देखने में कितने टेम्प्टिंग है, बस उठा के पी लो ऐसे मन करता है। अगर आप ये एक बार बनाएंगे तो हमेशा इसी को बनाएंगे। अगर कोई गेस्ट भी आता है आपके घर पर तो ये फटाफट से 2 सेकेंड में बन के रेडी हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकॉन नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ दिख सके। अल्लाह हाफिज़।